अशोक गहलोत जी, भरत सिंह सोलंकी जी, जीतू पटवारी जी, डॉक्टर सुनेरी जी, कांति भाई, सोदा परमार जी, कपिला बेन चावड़ा जी, अमित भाई चावड़ा जी, राजेंद्र सिंह परमार जी, निरंजन पटेल जी, नटवर सिंह जी, अल्पेश पदियार जी, इद्रिश भाई वोरा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। रात का समय है, रात का समय है, आप सब दूर दूर से आए हो, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, मेरी बात सुनने आप यहां आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 महीनों में मेरे गुजरात में टूर हुए और मुझे गुजरात की जनता से मिलना, उनसे बातचीत करना, उन्हें गले लगाना, पिछले 3 महीनों में आपने मुझे, और सिर्फ आपने नहीं, गुजरात के सब लोगों ने इतना प्यार दिखाया है कि मैं ये अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता हूं। चुनाव आते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, मगर पिछले 3 महीनों में आपने मेरे दिल को छू लिया है और ये अब मेरे लिए तो पूरी जिंदगी का काम है, ये काम हो गया है। तो चाहे मैं कहीं भी हूं, किसी भी प्रदेश में हूं, कहीं भी हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, गुजरात को मुझसे कुछ भी चाहिए, आपको सिर्फ कहना है राहुल इधर आओ और मैं यहां आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ऐसे रिश्ते जिंदगी में बनते हैं, वो फिर तोड़े नहीं जाते हैं। आनंद आया हूं और आपसे मिलकर काफी आनंद हो रहा है, और एक बार पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मुझे बहुत आनंद दिया। उस बार, उस टाइम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, हर हिंदुस्तानी को अपने देश के बारे में गर्व होता है, प्राइड होती है। मैं न्यूजीलैंड गया और वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने मुझे बुलाया था, मैं गया। न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में दूध एक्सपोर्ट करता है और उन्होंने मुझे बुलाया और अपना पूरा दूध का जो सिस्टम है उन्होंने मुझे दिखाया, कंप्यूटर, हाई टेक्नोलॉजी, सब कुछ। खेत में ले गए, फार्म में ले गए, मशीनें लगी हुई थी, उसके बाद प्रेजेंटेशन हुआ। मैं अंदर सोच रहा था कि ये देखो
किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, कैसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे हमें हिंदुस्तान में भी करना चाहिए, मेरे दिमाग में था। और अपने दिल में मैंने सोचा कि ये सब जगह दूध एक्सपोर्ट करते हैं, हमें भी इनका मुकाबला करना चाहिए। मैंने बोला नहीं, मगर अंदर दिल में सोचा। प्रेजेंटेशन आया, प्रेजेंटेशन कर रहा था, वहां पे नक्शा लगा था और मैंने अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा कि न्यूजीलैंड का दूध नक्शे पे हर देश पे जा रहा था, मगर एक देश में न्यूजीलैंड का दूध नहीं जा रहा था। कौन सा देश? हमारा देश हिंदुस्तान। थोड़ा हैरान हुआ। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो मैंने पूछा, भैया एक बात बताइए, आपने मुझे अपनी टेक्नोलॉजी दिखा दी, इतनी बड़ी बड़ी गाय है उसकी फोटो दिखा दी आपने, मगर आप एक बात का जवाब दो, ये जो है हिंदुस्तान में आपका दूध क्यों नहीं जा रहा है? मुझे जवाब मिलता है, राहुल जी हिंदुस्तान में एक जगह है उसका उसका नाम है आनंद, और आनंद में महिलाओं का संगठन है और उस संगठन से हम नहीं कर सकते, उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। आनंद ने मुझे उस समय भी बहुत आनंद दिया। और अगर गुजरात को खड़ा किया है, आजकल फैशन है नेता कहते हैं कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ऐसे भी नेता हैं, मगर अगर गुजरात को खड़ा किया है, आनंद की महिलाओं ने किया है, अगर न्यूजीलैंड के कॉन्फ्रेंस रूम में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हम दूध एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम गुजरात की महिलाओं से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो यह किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, यह पूरे गुजरात की देन है। यह काम अगर किया गया है तो आप लोगों ने किया है। यह सरदार पटेल जी की कर्म भूमि है। एक नारा मैं देना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, जय सरदार। देखिए अभी आपने कहा कि सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, आपने सावरकर जी का नाम लिया, बाकी लोगों का नाम लिया, और आपने कहा कि सरदार पटेल जी बीजेपी के नहीं थे, कांग्रेस के थे। सच्चाई है, कांग्रेस के संगठन में थे, मगर अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं, ऊपर से चीज को ना देखें, थोड़ी गहराई में जाएं, तो सरदार पटेल जी क्या हैं? अगर इसका हमें जवाब देना है तो सरदार पटेल जी गुजरात के दिल के अंदर एक आवाज है, थे और अभी भी हैं। और सरदार पटेल जी ना नरेंद्र मोदी जी के हैं,
ना राहुल गांधी के हैं, ना सोलंकी जी के हैं, और मैं सच बोलूं तो ना गुजरात के हैं, ना हिंदुस्तान के हैं, पूरी दुनिया के हैं। क्योंकि सरदार पटेल जी ने, वो किसी के हैं नहीं, वो इतनी छोटी चीज नहीं है कि वो किसी के हो सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। वो गुजरात के दिल के अंदर एक आवाज है जिसको उन्होंने पहचाना और जिसके लिए वो लड़े, और इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। आपने कहा गाड़ी में, आपने मुझे कहा कि यहां उनकी कर्म भूमि है और उनका आदर